हिमाचल बाबा की। बाबा जी आज मैं आपसे जनरल नॉलेज के लिए कुछ पूछती हूँ। रेडी बाबा जी? ठीक है बाबा जी, ये बताइए कि अमेरिका का सीएम कौन है? नहीं पता, कोई बात नहीं। अच्छा बाबा जी ये बताइए कि अंग्रेज भारत में कब आए और चले कब गए? क्या हुआ, नहीं पता? पता है तो फिर बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं? क्योंकि आज मेरा मौन व्रत है। मौन व्रत है बाबा जी का। तो बाबा जी मौन व्रत में आप खाना नहीं खाएंगे? आप नहीं बोलेंगे ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी, और यहाँ पर आए हुए भक्तों की समस्या कौन सुलझाएगा? अरे मैं हूँ ना लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए। क्या हुआ? आज कोई बात नहीं आ रही कि छतरमुर्ख के अंडे, अमिताभ बच्चन के जूते, टीटीओ के घर वाले, क्या हुआ बोल नहीं रहे? अरे ट्रेंडी मेरी बात सुनो, इनके स्पीकर का फ्यूज उड़ गया क्या? नहीं नहीं भैया, बाबा जी का आज मौन व्रत है। अच्छा अच्छा मौन व्रत, तो फिर आप खाएंगे नहीं कुछ फिर? भैया मौन व्रत का खाने पीने से कोई लेना देना नहीं होता, आज बाबा जी सोएंगे नहीं। हाँ तो बताइए किसकी क्या समस्या है? हाँ बोलिए। बाबा जी हम सब एक नहीं हो सकते क्या? ये लड़ाई झगड़े बंद नहीं हो सकते क्या? एक मिनट बाबा जी, एक मिनट। उनको ना गूंगे बहरों की खबरें ना पसंद नहीं है, इसलिए मैं समझाता हूँ। देखो भाई मैं आपका समाधान करता हूँ, जब तक आप लोग ऐसे ढोंगी बाबा के पीछे लगे रहेंगे ना तो कभी एक नहीं हो पाएंगे। ये मैं चाहता हूँ कि मेरी सलाह मानो, इन बाबा को छोड़ो और मेरे जैसा खूबसूरत सा बाबू अपनाओ जो बेबी बेबी भी बोलता फिर। बोलो रोकी दादा की। कैसा लगा बाबा जी, ठीक बोला ना मैंने? नहीं बोलना तो मेरे इशारों से समझा दो, मैं समझ लेता हूँ, कोई बात नहीं। गंदे अंडे। लेकिन बाबा जी आपका मौन व्रत था ना? उसका समय समाप्त हो गया है, अब इसका भी समय समाप्त होने वाला है, क्योंकि बाबा बहुत दिनों बाद आज उड़ के मारेगा। तुमने और तुम्हारे भाई ने हमारे मौन व्रत का बहुत फायदा उठाया है, अब हम भी तुम्हारे अकेलेपन का फायदा उठाएंगे। नहीं नहीं बाबा जी, मेरे पास कुछ बचे कुचे पैसे, वो मत लूटिए वरना मैं लूट जाऊंगी। समस्या है किसी की? हाँ और किसी की? हाँ बोलिए बोलिए। बाबा जी को प्रणाम। बाबा जी मेरे कुछ जनरल क्वेश्चन है आपसे। इसके भी हैं। बाबा जी जब बादशाह अकबर को गद्दी मिली थी तो क्या हुआ था? बैठ गए थे और क्या होना है। सिद्धार्थ लिसन टू मी, यस जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ मेरी बात सुनो रोशनी, यस जोकर लिसन टू मी डैम इट, यश इज द जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है, हाउ कुड इट बी, और तुम कोमा में थे ना, तुम ये सब पास वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ, और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी, प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो, देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा, मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा, मुझे मत मारो प्लीज। नहीं नहीं, खून खून के बदले कौन? नहीं पर मां साहब हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है छाई।
तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं माँ साहब, हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं, जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ, जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाएगा।